हेलो स्टूडेंट, चैप्टर टू फ्रैक्शन में आज हम एक्सरसाइज टू भी देखते हैं और इसके कुछ क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा दिया है मल्टीपल द फॉलोइंग। इसमें आपको दिए गए क्वेश्चंस में क्या करना है, मल्टीपल करना है, यानी कि इनका मल्टीप्लाई करना है आपस में। अब इसमें कुछ क्वेश्चन फ्रैक्शन में दिए हैं और कुछ जो नंबर्स हैं वो आपके फ्रैक्शन के हैं और कुछ नंबर्स आपके नेचुरल नंबर हैं। तो देखिए इनको हम कैसे सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा दिया है 4 by 5 × 7। तो हम इसको कैसे करेंगे, हमारे पास दिया है 4 by 5 × 7। अब 7 में कुछ नहीं है तो हम क्या करेंगे, ये न्यूमरेटर है तो डिनोमिनेटर में एक लेंगे, क्योंकि एक से अगर 7 में हम डिवाइड करेंगे तो हमारा 7 ही आएगा। तो एक को हम 7 के डिनोमिनेटर में लेंगे। अब इसके बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 × 7/5। तो क्या आएगा हमारा, 4 × 7 = 28 एंड डिनोमिनेटर में 5। अभी हमारे पास एक फ्रैक्शन वैल्यू आ गई। अब फ्रैक्शन वैल्यू को अगर हम मिक्स फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज करें तो कैसे करेंगे हम, 5 × 5 = 25 एंड 3 आएगा किसमें हमारा, न्यूमरेटर, एंड 5 डिनोमिनेटर। तो क्या हो जाएगा हमारा, 5 × 5 = 25 एंड 3 = 28। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 28/5। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन में आपको दिया है 4 by 15 × 35। तो इसको क्या करेंगे हम, इसको भी हम सेम करेंगे, 4 by 15 × 35 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, 1 सपोज करेंगे, देन मल्टीप्लाई 4 × 35/15 × 1। अब हम इसमें ये देखेंगे जो हमारा न्यूमरेटर है उसमें 4 × 35 है और डिनोमिनेटर में हमारा 15 है। अब हम ये देखेंगे किससे हमारी वैल्यू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर की कट होती है। तो देखिए 5 × 5 = 15 एंड 5 × 7 = हमारा कितना हो जाएगा, 35। तो हमारा क्या बचेगा, 4 × 7/3 × 1 ये हमारा बचा। तो हमारा कितना हो जाएगा, 4 × 7 = 28/3 ये हमारा आंसर आएगा। अब ये हमारी फ्रैक्शन वैल्यू आ गई। अगर हम इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदलें तो क्या करेंगे, 28 में 3 से डिवाइड देंगे तो कितने टाइम जाएगा, 3 × 9 = 27। अब बचा क्या हमारे पास, 1। तो ये हमारा किस में आ गया, मिक्स्ड फ्रैक्शन में। ये आपका आ गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और ये आपका मिक्स फ्रैक्शन में आ गया। तो ये आपके आंसर हो गए सेकंड क्वेश्चन का। थर्ड आपके लिए होमवर्क है, आप थर्ड करने की कोशिश कीजिएगा। फोर्थ नंबर देखिए, फोर्थ में आपके पास में मिक्स फ्रैक्शन है एंड एक नेचुरल वैल्यू नंबर दिया हुआ है। तो क्या करेंगे, 4 × 3/4 × 6। तो क्या आएंगे, इसको 6 को नीचे डिनोमिनेटर में 1 सपोज करेंगे। अभी मिक्स फ्रैक्शन दिया है तो इसको सबसे पहले क्या करेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए 4 × 1 × 4 जो आंसर आएगा उसका 3 से ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7/4 × 6 ये आ जाएगा आपका। अब देखिए क्या करेंगे, न्यूमरेटर वैल्यू लिखेंगे हम 7 × 6/4 × 1। अब हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में देखते हैं कौन सी वैल्यू हमारी कट हो रही है, तो हम उस वैल्यू को क्या करेंगे, कट करेंगे। तो 2 × 2 = 4 × 2 = 3 = 6 कितना बचा हमारे पास, 7 × 3/2 × 1 ये हमारे पास बचा। अब क्या करेंगे, हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 × 3 = 21 एंड 2 ये हमारे पास क्या आया, फ्रैक्शन वैल्यू आ गई। इसको अगर हम मिक्स फ्रैक्शन में बदलें तो क्या होगा, 2 × 10 = 20 = 1 एंड 2 तो ये आपका आंसर आ गया मिक्स फ्रैक्शन वैल्यू में। सेम आपको करना है फिफ्थ नंबर एंड लास्ट नंबर, सिक्स नंबर। अब सिक्स नंबर में भी आप क्या करेंगे, सबसे पहले 2 और 8 का मल्टीप्लाई करेंगे, जो वैल्यू आएगी उसको क्या करेंगे, 7 में ऐड करेंगे तो आपका जो भी आएगा आंसर तो उसको लिखेंगे, एंड अपॉन में 8 रहेगा, मल्टीप्लाई
थाउजेंड दिया हुआ है, तो थाउजेंड में क्या करेंगे, वन को डिनोमिनेटर में लेंगे एंड इसके बाद में आप इसको सॉल्व करेंगे। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन। अब आपको सेकंड भी दिया हुआ है, जैसे आपने फर्स्ट किया था तो फर्स्ट में आपको एक नेचुरल वैल्यू दी हुई थी, इसमें आपको फ्रैक्शन वैल्यू दी हुई है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा दिया है 2/3 मल्टीप्लाई 9/16। क्या करेंगे, न्यूमरेटर वैल्यू लिखेंगे पहले हम, 2 मल्टीप्लाई 9 अपॉन 3 मल्टीप्लाई 16। ये हमारी डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर वैल्यूज हो गई। अब न्यूमरेटर वैल्यू देखिए और डिनोमिनेटर वैल्यू में देखिए, अगर कोई वैल्यू कट रही है तो उसको हम कट करेंगे। 3 1 जै 3, 3 3 जै 9, 2 1 जै 2 एंड 2 8 जै 16। तो आपके पास क्या बचा, 3/8। ये हमारा क्या है आंसर, और ये क्या है फ्रैक्शन वैल्यू है। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन देखिए, 3/7 मल्टीप्लाई 14/11। इसको क्या करेंगे, सबसे पहले न्यूमरेटर वैल्यू से एक साइड लगेंगे, 3 मल्टीप्लाई 14 अपॉन 7 मल्टीप्लाई 11। अब इसमें जो वैल्यू कट रही है उसको कट करेंगे, बाकी रिमेनिंग देंगे 7 1 जै 7, 7 2 जै 14। तो क्या आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 1 मल्टीप्लाई 11। तो आंसर क्या आ जाएगा, 6/11। ये हमारी फ्रैक्शन वैल्यू आ गई, ये हमारा आंसर आ गया। थर्ड नंबर क्वेश्चन में देखिए, थर्ड नंबर क्वेश्चन में एक आपको फ्रैक्शन वैल्यू दी हुई है और एक मिक्स फ्रैक्शन वैल्यू दी हुई है। तो अब क्या करेंगे हम, सबसे पहले हमारे पास में क्वेश्चन में जो मिक्स फ्रैक्शन वैल्यू है उसको इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे। तो क्या करेंगे, 3 का 2 से मल्टीप्लाई, 3 2 जै 6 एंड 2 ऐड करेंगे, 6 2 8 अपॉन 3। ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब क्या करेंगे, 3/4 मल्टीप्लाई हो गया, तो क्या करेंगे इसको, 8/3। तो हमारी डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर की वैल्यूज आ गई। अब देखिए कट जो हो रहा है उसको कट करेंगे, 4 1 जै 4, 4 2 जै 8 और 3 3 कट हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, 2/1। अब ये 2/1 बचा है, इसको आप डायरेक्ट 2 भी लिख सकते हैं, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही आप फोर्थ नंबर क्वेश्चन करेंगे, 6/29 मल्टीप्लाई 7 1/4। इसमें मिक्स्ड वैल्यू को फ्रैक्शन वैल्यू में करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखते हैं। फिफ्थ में आपको दिया हुआ है, सबसे पहले आप इसको क्या करेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो क्या करेंगे, 3 मल्टीप्लाई 7 करेंगे, तो 7 3 जै 21 एंड 6 कितना हो जाएगा आपका, 27/7 मल्टीप्लाई। अब सेकेंड वैल्यू उसका करेंगे, 4 3 जै 12 एंड 2 14/3। ये हो जाएगा। अब इसको सबसे पहले हम न्यूमरेटर वैल्यूज और डिनोमिनेटर वैल्यूज को मल्टीप्लाई लिख लेते हैं, 27/14/7/3। अब जो वैल्यू हमारी डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर की कट रही है उसको कट करेंगे, 7 1 जै 7, 7 2 जै 14, 3 1 जै 3, 3 9 जै 27। तो हमारे पास क्या बचा, 9/2/1/1। तो क्या हो जाएगा, 9/2 आपका 18/1। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 18 ही आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही लास्ट क्वेश्चन सिक्स नंबर आपको सॉल्व करना है। अब देखिए सिंप्लीफाई, थर्ड क्वेश्चन सिंप्लीफाई। तो सिंप्लीफाई में क्या करेंगे हम, सिंप्लीफाई में भी न्यूमरेटर वैल्यूज और डिनोमिनेटर वैल्यूज को एक साइड लिखेंगे। पहला क्वेश्चन जैसे दिया हुआ है, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 6। ये हमने न्यूमरेटर्स की वैल्यू ली, अपॉन लगाया, फिर डिनोमिनेटर वैल्यू 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 9। अब जो वैल्यूज कट रही हैं उसको हम कट करेंगे, तो 3 से 3 कट हो जाएगा, 4 से 4 कट हो जाएगा। अब देखिए आपका 5 9 बचा और 2 6 बचा, ये आपका कट नहीं हो रहा है, 5 मल्टीप्लाई 9। अब इसको आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, 6 2 जै 12 अपॉन 5 9 जै 45। तो आपका कितना आंसर आ जाएगा, 12/45। अब इस वैल्यू को देखिए आप, ये वैल्यू आपकी और कट रही है किससे, 3 4 जै एंड 3 15 जै। तो आपका आंसर क्या आया, 4 बाय
15, ये आपका पहले क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। सेम आपको सेकंड नंबर क्वेश्चन करना है एंड थर्ड क्वेश्चन करना है। अब फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखिए, फोर्थ नंबर क्वेश्चन में क्या करेंगे आप, सबसे पहले जो आपकी मिक्स फ्रैक्शन वैल्यू है उसको पहले फ्रैक्शन वैल्यू इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे, देन इसके बाद में आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क है, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। अब फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देखिए, फिफ्थ नंबर को हम सॉल्व करते हैं, 5 3 by 5 मल्टीप्लाई 12 by 27 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 9 by 2। इसको सॉल्व करते हैं, चलिए देखिए कैसे सॉल्व। सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने इम्प्रॉपर वैल्यूज़ को, एक मिक्स फ्रैक्शन वैल्यू को हमने इम्प्रॉपर वैल्यू में चेंज किया, तो 5 multiply 5 हमारा 25 हुआ, प्लस 3 हमारा 28 हुआ, तो 28/5 ये हो गया हमारा। फिर सेकंड हमारा 12/27 ये लिखा हमने, फिर 3 के अपॉन में कुछ नहीं है, तो इसको फ्रैक्शन वैल्यू बनाने के लिए हम क्या करेंगे, अपॉन में 1 लिखेंगे, फिर मल्टीप्लाई 9/2। अब हमने क्या किया, देखिए हमने जो हमारे पास न्यूमरेटर्स वैल्यूज़ थे, न्यूमरेटर वैल्यू को हमने एक साइड में लिखा न्यूमरेटर की जगह पे, और उसके बाद डिनोमिनेटर वैल्यू को डिनोमिनेटर वैल्यू में लिखा। अब इसमें हम ये देखेंगे कि हमारी वैल्यू कौन कौन सी कट हो रही है, तो हम उसको कट करेंगे। तो देखिए आपका 12 2 से जाएगा, 2 6 12, ये आपका 2 कटा, 2 6 12 हो गया आपका। इसके बाद देखिए कौन सा कट हो रहा है, 3 एंड 9 और 27 दिया, तो 9 1 9, ये आपका 9 कट हो गया। फिर इसके बाद में 27 को कट किया, तो 3 टाइम्स गया आपका, अब 3 1 3 एंड 3, तो ये आपका 3 भी कट गया। आपके पास बचा क्या, आपके पास में 28 एंड 5/1, ठीक है। और क्या बचा, जो 12 कटा था उसका 6, तो क्या हुआ हमारे पास में 28 multiply 6/5। अब हमारा 28 का हमने 6 से मल्टीप्लाई किया, तो हमारा कितना आया, 8 6 48 का 8 कैरी 1, 2 6 12 and 4 16, ये हुआ हमारा, देन अपॉन में 5 दिया है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो हम सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, 168 को 168 में हम क्या करेंगे, 5 से डिवाइड देंगे, कितनी टाइम जाएगा, 5 3 15, बचेगा आपके पास 1, इसके बाद में 8 नीचे लेंगे तो कितने टाइम जाएगा, 3 5 3 15, इसके बाद में आपका कैरी क्या बचेगा, 3, और आपका कितने टाइम्स गया, 33 टाइम्स, तो इसलिए हमने क्या किया, 33 को आगे लिखा, देन जो रिमाइंडर बचा उसको यहाँ पे लिखा रिमेनिंग एंड 5, तो ये हमारा आंसर आ गया 33 3/5, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिक्स नंबर क्वेश्चन देखिए। सिक्स नंबर क्वेश्चन में आपको 3 वैल्यू दी हुई हैं, और तीनों वैल्यूज़ आपकी क्या हैं, मिक्स फ्रैक्शन में। तो क्या करेंगे आप, सबसे पहले इसको इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे, देन इम्प्रॉपर के बाद में इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 2 1/7 5/7 मल्टीप्लाई 49/46, इसमें भी आपकी 2 मिक्स्ड फ्रैक्शन में दी है, सबसे पहले इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो आपका क्वेश्चन 6 नंबर, 7 नंबर आपके लिए होमवर्क है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9। इसमें हमको क्या दिया है, 2 मिक्स फ्रैक्शन वैल्यू दी हैं, प्लस एडिशन के साथ में आपको इसको सॉल्व करना है। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन में क्या दिया है, 1 1/3 मल्टीप्लाई 2 1/4 प्लस 1 1/7 मल्टीप्लाई 3 1/2। सबसे पहले क्या करेंगे, इम्प्रॉपर वैल्यूज़ को हम मिक्स्ड वैल्यूज़ को इम्प्रॉपर वैल्यू में चेंज करेंगे, तो क्या होगा, 3 1 3 एंड 3 ऐड होगा तो 4/3 मल्टीप्लाई क्या, 4 2 8 और 1 9/4, फिर क्या दिया है, प्लस दिया हुआ है, फिर क्या है, 7 एंड 1 दिया है, तो क्या करेंगे हम, 7 1 7 और 1 8 8/7 मल्टीप्लाई 3 2 6 एंड 1 7/2, ये आपका क्वेश्चन आ, इसका सॉल्व आया। तो क्या करेंगे, पहले हम ये वैल्यू को सॉल्व कर दें, तो क्या करेंगे हम, न्यूमरेटर को पहले मल्टीप्लाई में एक साइड लिख लेंगे,
देन डिनोमिनेटर, फिर क्या करेंगे, बीच में प्लस लगा है तो प्लस लगाएंगे, फिर क्या करेंगे, 8 × 7 अपॉन 7 × 2। अब देखिए जो वैल्यू आपकी कट रही है ये इस पोर्शन की और इस पोर्शन को हम अलग अलग सॉल्व करेंगे। जो वैल्यू आपकी यहाँ पे कट रही है उसको कट करेंगे, 4 × 1 = 4, 3 × 3 = 9, फिर क्या होगा, 7 × 7 एंड 2 × 4 = 8। तो आपके पास इस पोर्शन में क्या बचा, 3/1 प्लस इस पोर्शन में क्या बचा, 4/1। तो आपका देखिए यहाँ पे 1 1, अगर आप डिवाइड देंगे तो क्या होगा, 3 होगा, एंड 4 में 1 से डिवाइड देंगे तो क्या होगा, 4 होगा, तो ये आपका सेम हो जाएगा। इसके बाद में क्या करेंगे, 3 और 4 को हम ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 7। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है हमारा, 7। ऐसे ही आप 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, 9 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, 5 × 3/8 × 2 × 7 − 3 × 2/3। अब इसमें आपको 2 मल्टीप्लाई फ्रैक्शन मिक्स फ्रैक्शन वैल्यू के साथ में माइनस दिया है। चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए देखिए हमने क्वेश्चन लिखा, इसमें हमने सबसे पहले क्या किया, मिक्स फ्रैक्शन वैल्यू को इम्प्रॉपर वैल्यू में चेंज किया, 5 × 8 = 40 + 3 = 43/8 मल्टीप्लाई 2 × 7 = 14 + 2 = 16/7, फिर इसके बाद में माइनस लगाया, 11/3 आया हमारा, 3 × 3 = 9 × 2 = 11/3। फिर इसके बाद में क्या हुआ, हमने लिखा 11 और 27 अपॉन 11 हो गया हमारा। अब हमने इसको सॉल्व किया, तो सबसे पहले हम इस पोर्शन के वैल्यू को सॉल्व किए, तो इस पोर्शन में क्या किया हमने, 8 × 1 = 8 एंड 8 × 2 = 16 हुआ हमारा, 43 × 7 हमारा बचा। यहाँ पे हमने क्या किया, 11 से 11 को कट किया, और यहाँ पे क्या हुआ, हम यहाँ पे 3 और 27 को भी कट कर सकते हैं, इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। देखिए क्या किया हमने, 43 × 2/7 बचा हमारा फर्स्ट पोर्शन में रिमेनिंग, सेकंड पोर्शन में हमारा क्या रिमेनिंग बचा, 27/3 ये हमारा रिमेनिंग बचा। अब हम इसको कट तो कर लेंगे, सॉल्व हो जाएगा, बट हमारे पास एक प्रॉब्लम ये आएगी कि हमारे पास 9 बचेगा, इसको हमको 1 लेना पड़ेगा। तो हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, देखिए कैसे करेंगे, 9/1 लेके सॉल्व करना पड़ेगा, इसलिए हमने क्या किया, 27/3 को रिमेनिंग रहने दिया। अब क्या करेंगे, हम 7 और 3 का एलसीएम लेंगे, तो हमारा एलसीएम क्या आएगा, 21। अब क्या हुआ, 43 और 2 का मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया हमारा, 86 × 3 आ गया हमारा, जब हमने 27 का एलसीएम लिया तो, और सेकेंड हमारा आया 27/7, 21 को हमने 7 से डिवाइड किया तो क्या बचा हमारा, 3 टाइम गया, तो हमने क्या किया, 86 × 3 से मल्टीप्लाई किया, जब हमने 21 में 3 से डिवाइड दिया तो हमारा कितने टाइम गया, 7 टाइम, तो हमने क्या किया, 27 से मल्टीप्लाई किया। अब देखिए क्या किया हमने, 86 × 3 हमारा कितना आया, 258, और 27 × 7 189 अपॉन में 21 दिया हुआ है हमारा। अब हमारे पास क्या आया, 69/21, तो क्या किया, 69/21 हमने इसको सॉल्व किया, माइनस किया, अब क्या हुआ हमारे पास, 6 और 21 को हमने कट किया, 69 हमारा किससे जाएगा, 3 से जाएगा, कितने टाइम, 2 × 3 = 6 एंड 3 × 3 = 9 एंड 21 कितने टाइम जाएगा, 7 टाइम जाएगा, तो कितना आएगा हमारा, 23/7। अब 23/7 में क्या करेंगे, हम 7 से डिवाइड देंगे, कितने टाइम जाएगा, 3 times 3 एंड रिमाइंडर कितना बचेगा हमारा, 2, तो हम क्या लिखेंगे, 3 × 2/7, ये हमारा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4th देखिए, क्वेश्चन नंबर 4th में आपका लिखा है 2/5 of 50। अब आपको क्या करना है, इसमें डायरेक्टली सॉल्व करना है, 2/5 दिया है, ऑफ की जगह पे आपका क्या आएगा, मल्टीप्लाई, ऑफ को मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई लिखेंगे हम, ऑफ जहाँ जहाँ आएगा, तो
क्या होगा, 2/5 मल्टीप्लाई 50, 50 के अपॉन में कुछ नहीं है तो क्या करेंगे 1। अब ये क्या करेंगे, हम न्यूमरेटर वैल्यू लिखेंगे सबसे पहले 2/50/5 मल्टीप्लाई 1, ये कितने टाइम कट होगा 10 टाइम्स चला जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा 2 × 10, तो ये हमारा आंसर क्या आ जाएगा 20। सेकंड नंबर भी आपको ऐसे ही सॉल्व करना है, थर्ड नंबर भी आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखिए, फोर्थ नंबर में आपको क्या दिया है 1/3 × 1/2, ऑफ की जगह पे हमने क्या लगाया मल्टीप्लाई, हम न्यूमरेटर वैल्यूज़ को हमने नोट किया एंड डिनोमिनेटर वैल्यूज़ को नोट किया, हमारा आंसर क्या आया 1 ही हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पे, एंड 3 × 2 = 6, तो आंसर क्या जाएगा 1/6। ठीक है, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में क्या है, एक आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वैल्यू दी है, एक मिक्स फ्रैक्शन वैल्यू दी है, तो मिक्स फ्रैक्शन वैल्यू को क्या करेंगे, सबसे पहले इम्प्रॉपर में तो 4 × 4 + 3 = 7/4 हो जाएगा, इसके बाद क्या करेंगे न्यूमरेटर्स वैल्यू लिखेंगे देन डिनोमिनेटर वैल्यू, 4 से 4 कट हो जाएगा, 7 से 7 कट हो जाएगा, 1/1 बचेगा, तो आंसर क्या आएगा आपका 1। ठीक है, सिक्स नंबर क्वेश्चन देखिए, आपको दिया है 1/4 of 1, अब यहाँ पे 1 रुपीज़ का दिया है, तो 1 रुपीज़ = कितना होता है 100 पैसे। अब आप देखेंगे 1/4 का 1 में तो डिवाइड जाएगा नहीं, तो क्या करेंगे आप 100 पैसे लेके इसको सॉल्व करेंगे, तो क्या होगा 1/4 × 100, अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लेंगे हम डिनोमिनेटर में, क्या हो जाएगा 1 × 100/4 × 1, कितने टाइम जाएगा 25 टाइम, तो आंसर क्या आएगा हमारा 25 × 1/1, तो आंसर कितना आ गया 25। सिक्स नंबर क्वेश्चन हो गया आपका, इसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, 7/5 of 5 liter, इसको आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। एट नंबर क्वेश्चन में आपको आवर दिया है, तो इसको आपको मिनट में लेके करना है, तो 1 hour = 60 minutes हो जाएगा आपका, इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क, 10 नंबर क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क, 11, 12 भी आप कर सकते हैं।